आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटरनेट चैप्टर में हाउ टू सेंड पिक्चर वीडियो ऑडियो फाइल टू अनदर मेल, ठीक है। यानी किसी दूसरे मेल पर अगर मुझे पिक्चर और वीडियो फाइल या फिर ऑडियो फाइल कुछ सेंड करना होगा, फाइल सेंड करना होगा, तो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेल ओपन करेंगे अपना खुद का मेल। उसके बाद कंपोज बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जहाँ टू ऑप्शन रहता है, मैंने आपको मेल सेंड करने के समय बताया था, ये मैसेज बॉक्स के तरफ एक टू ऑप्शन होता है, वहाँ मेल आईडी टाइप करेंगे। इसके बाद मैसेज टाइप करेंगे। मैसेज टाइप करने के बाद आप उस जस्ट मैसेज के नीचे एक अटैचमेंट का ऑप्शन होता है पिनअप टाइप का, उस पिनअप पर आप जब आप क्लिक करते हो तो आपका ब्राउज़र खुलता है, जो आपको क्या होता है कि माई कंप्यूटर का ब्राउज़र खुल जाता है, जहाँ से आप किसी भी फाइल को, वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल या फिर कोई भी फाइल को आप सेलेक्ट करके आप ओपन करना, वो फाइल आपके कहाँ जाएगा, वो फाइल आपके इसमें जीमेल वाले मैसेज बॉक्स में आ जाएगा। उसके बाद आप उस फाइल को क्या करेंगे कि सेंड बटन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, मेल के थ्रू आप ऑडियो वीडियो फाइल या फिर पिक्चर भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये कैसे करते हैं, इसके लिए चलते हैं डेस्कटॉप पर। ये हम डेस्कटॉप पर आ चुके हैं और ये मेरा मेल ओपन हो चुका है। तो मुझे अगर मेल के थ्रू वीडियो ऑडियो फाइल सेंड करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ जाऊँगा कंपोज पर। ठीक है, कंपोज बटन पर मैंने क्लिक किया। जब इसी में क्लिक करता हूँ तो यहाँ आप देखिएगा मैसेज बॉक्स ओपन हो गया है, ठीक। इसमें मैं मेल आईडी टाइप करूँगा। ये मेरा मेल आईडी है, मैं सेंड क्या कर रहा हूँ, ऑडियो वीडियो या पिक्चर पर। तो मान लीजिए हम पिक्चर साथ साथ ऑडियो फाइल भी हम वीडियो फाइल सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप अपना मैसेज जो भी आप लिखना है वो मैसेज दे दीजिएगा, थैंक्स एंड रिगार्ड्स दे दीजिएगा। जो आपका नाम है ठीक है। अब इसके बाद यहाँ तो ये देखिए अटैचमेंट दिया हुआ, अटैचमेंट फाइल किसी भी प्रकार का फाइल आप अटैच यहाँ से कर सकते हैं। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए ब्राउजर ओपन हो गया है, ठीक है। तब इसके थ्रू अगर आप जो भी फाइल आप सेंड करना चाहते हैं, जैसे मैं अपना पिक्चर फाइल सेंड करना चाहता हूँ, तो ये मैंने क्लिक किया, ठीक है, इसको ओपन किया। तो ये देखिए ये पिक्चर फाइल कितना KB का है, 392 KB का, ये डाउनलोड हो रहा है, यहाँ ये डाउनलोड हो चुका है। अगर मुझे और अटैचमेंट लगाना है, फिर से क्लिक करेंगे, फिर से गए, इस बार मैं वीडियो फाइल सेलेक्ट करता हूँ, डाउनलोड में जाता हूँ। यहाँ देखिए ये मेरा वीडियो फाइल ये है, इसको मैं क्लिक करके ओपन करता हूँ। जैसे मैं ओपन करता हूँ ये देखिए वीडियो फाइल मेरा कितना KB का है, 11,257 KB का ये मेरा वीडियो फाइल है, फिलहाल ये डाउनलोड हो रहा है। ये जितना बड़ा फाइल होगा उतना ही आपको ये समय लेता है डाउनलोड होने में।
आपका फाइल डाउनलोड हो चुका है। अब जैसे ही इसके बाद आप ये सेंड बटन पर आप क्लिक करते हैं, ये आपका जो भी फाइल आपने अटैच किया था आपका फाइल सेंड हो चुका है। चेक करना है तो आप सेंड में जाके चेक कर सकते हैं, सेंड बॉक्स में। यहाँ देखिए ये सेंड बॉक्स में आ चुका है कि आपने एक फाइल पिक्चर और वीडियो फाइल सेंड किया है। ये आपका वीडियो का आइकन है या आपका पिक्चर का आइकन।